डियर स्टूडेंट, आज हम दयानंद सरस्वती और आर्य समाज टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से NMMS, NTSC, NTSC स्क्रीनिंग, सैनिक स्कूल, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, HTET, CTET, UPTET, MPTET, RIT, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, मेरा जो चैनल है नौजल एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको स्वतः ही मिल जाएगी। अब हम अध्ययन करेंगे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूला शंकर था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत में हुआ था। गुजरात प्रांत में जिला मोरबी था, गांव शिवपुर था। सन 1845 में 21 वर्ष की आयु में ये आध्यात्मिकता की खोज में, या स्वामी दयानंद आध्यात्मिकता की खोज में निकल पड़े थे। दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? दयानंद सरस्वती नाम पूर्णानंद जी ने दिया था। वेदों का ज्ञान किसने दिया था? वेदों का ज्ञान विरजानंद जी ने दिया था। विरजानंद जी कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के रहने वाले थे। दयानंद सरस्वती से विरजानंद जी ने क्या मांगा था? दयानंद सरस्वती से विरजानंद जी ने यह मांगा था कि आप समस्त भारत में वेदों का प्रचार करोगे या वेदों का ज्ञान बांटोगे। वेदों के ज्ञान से समस्त भारत में अंधकार दूर करोगे। आर्य समाज, अब हम आर्य समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्य समाज कैसा आंदोलन था? आर्य समाज एक हिंदू धर्म सुधार, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था। कुछ ऐसे सामाजिक नेता, धार्मिक अगुवा हुए जिन्होंने समाज में सुधार किया, उनकी बुराइयों को दूर किया, वापिस से हिंदुओं को जगाया। इसलिए आर्य समाज को पुनर्जागरण, सांस्कृतिक, धर्म सुधार का नाम दिया गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1875 को हुई। कहाँ हुई? बंबई या मुंबई में हुई। इसकी स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सत्यार्थ प्रकाश लिखा। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो नारा दिया।